पेश है गुड मॉर्निंग जेएनके। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जे एंड के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। एक नए दिन का सूरज तुलू हुआ है, परवरदिगार करे ये सूरज हमारी जिंदगियों से जितने भी अंधेरे हैं वो घटा दे और हमारी जिंदगियों में खुशियां लाएं, परेशानियों से हम सबको दूर रखे, सेहतमंद रखे, क्योंकि अच्छी सेहत सबसे बड़ी नियामत है। आज मंगलवार है, अगस्त के महीने की 8 तारीख 1445 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की आज 20 तारीख है। आज दोस्तों दो मेज़बान आज भी आपकी खिदमत में रहेंगे। मैं अजहर हूँ, मेरे हमरा हैं अरीवा अल्ताफ़। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? जी, सब ठीक? जी, अच्छे से। ठीक। जब हम किसी से सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद उसकी सेहत के बारे में पूछते हैं, मुझे लगता है शायद इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि कहीं ना कहीं इंसान ये जानता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत अच्छी सेहत है। बिल्कुल। तो अगर इंसान सेहतमंद हो, उसके बाद अगर गुर्बत भी हो, जिंदगी में दूसरे मामलात के हवाले से परेशानी भी हो, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी को यूं तो निभा लेता है, चला लेता है, लेकिन अगर सेहत बिगड़ जाए फिर इंसान के पास कितनी भी माल दौलत क्यों ना हो, इंसान हकीकी मानों में मुफलिस और गरीब हो जाता है। बेशक, क्योंकि जैसे कि आपने बोला, गुर्बत हो या जो भी इंसान की ज़िंदगी में, उसको देखना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। अगर अच्छी सेहत हो तो इंसान हर किसी चीज़ से लड़ जाए, लेकिन अगर सेहत बिगड़ जाए तो इंसान एक हिम्मत हार जाता है, क्योंकि जब अपनी ही सेहत साथ देना छोड़ देती है तो इंसान को लगता है कि मुझे शायद गिवअप कर देना चाहिए। सही बात है। और उर्दू का एक मशहूर मकोला है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत, अंग्रेजी में हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि आजकल के इस भागम दौड़ वाले दौर में हम अपनी सेहत की तरफ तवज्जो कम ही मरकूज करते हैं, दौलत कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जब बहुत सारी दौलत इकट्ठा हो जाती है फिर सेहत के ताल्लुक से बड़े मामलात पैदा हो जाते हैं और फिर हम फिक्रमंद हो जाते हैं। तिमसा छः पत पाएस पैवा होंगे तिमसा चाह सवारी हथियर को, अगर इस वक्त पैठे ऐसे पे सेहत के ख्याल थोम, पे जिंदगी हूँ ऐसे टाइम टेबल तथ पे मुरतब कर्मुत यथ मज पे खतर की वक्त मुकर कर खन चन के आदात थो बेहतर बनाई सेहत आने शायद बिगड़ोमुत कह सोरे कह अल्लाह ताला से नी अथन मज मगर तम पत्च इंसान पे दिमाग इस्तेमाल कर पे बाप क्या रोज ठीक क्या रोज रुत तमुक इंतखाब तमी अनुमान कर बचने हंद हवाल तजकल अरीबा अख आम शिकायत यह जे बच्चे छन हेल्दी फूड प्रेफर करा के काल ब्रो इस अमीन मोहम्मद अमीन बट सब सीनियर कलीग से रोज गुड मॉर्निंग जे एंड के मज तमो दो दुख आज अजीब चीज इस वुछान सान शुरन छन आज आब यवान वाजवानुक ना बोझत के सान शुरन छ आज आब यवा पिज्जा तो बर्गरुक ना बोझत यानी जन फूड हैबिट्स छम गई कम्प्लीटली चेंज तो यम कम्प्लीटली चेंज फूड हैबिट्स गसन सत गई सेहत के हवाल वारिया मसाइल तो वारिया परेशानी पद वारिया ज्यादा जंक फूडुक इस्तेमाल करा तो करने खातर वारिया कम करा चे वारिया के मगर कुर्सी पर बिहित कर कंप्यूटर ब्रोह कें रटित कर या मोबाइल फोन अस कित रटित कर तथ वो फिजिकल एक्टिविटी के फिजिकल एक्टिविटी गो ये जल पे खुबह या शाम कड़ो या कह तीस एक्टिविटी आसो करा य
यथ एक्टिविटी मं इस पे जिसमु ठीक पे इस्तेमाल करो तेली हको इस बात की तकाज कर इस रोजो सेहतमंद। बिल्कुल, मैं यही बात बोलने वाली थी जो आपने अभी जिक्र किया कि इस कुर्सियन पर बेहद काम करा या बच्चों का फास्ट फूड पे इंटरेस्ट होना, कहीं ना कहीं जो पहला रिवाज होता था जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते हैं कितना मजेदार लगता है। मैं कभी बोलती हूँ काश मैं उस वक्त में पैदा हुई होती हूँ, तुम चुना इस काम करान दोहस बेस ने थक नहीं बेस बात खावा इस तूत बात खावा। मेरी नानी बोलती थी कि मांजे दोहस शुर सुन तुम इस त्रेलेट बात खेवा, बात दिए गए सराना पता इस त्रेलेट बात खेवा। लेकिन मुझे लगता है आज के दौर में खाना कम खाते हैं, राइस के साथ उतना लगाव बच्चों को है ही नहीं, जब खिलाना पड़ता है तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं माओं को तोड़ के कि कैसे किसी तरह इसको ये खाना जो है पेट में हम डाल दें ताकि बच्चा जो है भूखा ना रहे। खैर ये सही बात है, ये मॉडिफिकेशन जो आई है, जो मॉडर्नाइजेशन आई है, जो टेक्नोलॉजी आई है, उससे मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी में काफी जो है कहीं ना कहीं ठहराव आया है। जैसे आपने कहा लैपटॉप सिस्टम यूज करना और एक्सरसाइज कम हो गई, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, जिसपे शायद हमें अभी भी मौका है कि हम ध्यान दें और सुधार सके इस चीज को। बिल्कुल सही। और जब इंसान की सेहत बिगड़ जाती है उसके बाद आपको परवरदिगार के बाद जिस इंसान से सबसे ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता हो जाती हैं वो इंसान होता है मौलिज डॉक्टर, जिसे हम अपने लिए नियामत समझते हैं और हकीकी मानों में नियामत है भी। मैं कुछ रोज़ कबल एक निजी महफिल में बात कर रहा था अपने एक डॉक्टर साहब ही से ही, वो इस प्रोग्राम के भी रेगुलर व्यूअर है डॉक्टर वहीद साहब। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि जब इंसान दर्द दंदा में मुबतला हो जाता है, दांत का दर्द हो जाता है, तो ऑन अ लाइटर नोट में उसे कह रहा था कि उस वक्त उसे इलाज करने वाले करने वाला शख्स जो डॉक्टर होता है या कोई और दोस्त हो, अगर वो उसे पूरी प्रॉपर्टी भी मांग ले तो वो लिख के देगा कि मैं दे दूंगा, बस मेरा दांत का दर्द ठीक कर लो। तो मामला यह है कि हमें इस पेशे के साथ जितने भी वाबस्ता लोग हैं, नीम तिबी अमला है, उन्हें हमारा खराज तहसीन, और इस पेशे के साथ जो वाबस्ता हजरात हैं, खवातीन हैं, उनकी अंतक कोशिशों को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और आज हम इसी पेशे के ताल्लुक से बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में आगे, मगर प्रोग्राम के दसला बस मंज तो इंतजार आसान से इस बात ना वो तो तमाम अपडेट्स मौसमी के हवाले तो बेवन वो तो ये नेशनल हाईवेज तमन पे कौर कौन पक ट्रैफिक पक्या क्या ना। जी बिल्कुल, मौसम के हाल आपको बताते चले, आज श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है, और जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। नेशनल हाईवे की बात करें, दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत है, बड़ी गाड़ियों को नवयुग टनल से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत दी गई है। मुगल रोड और SSG रोड पर दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत है, और आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट कि आप जब भी निकले सफर पर एक बार जो है कंट्रोल से राबता जरूर करें। जी तो ये अपडेट्स थे मौसम के हवाले से, शहराओं के ताल्लुक से वन गई प्रोग्राम गॉडनिज डल इस तो इतना मत वात नाम अच्छा। दूरदर्शन से ये फख्र हासिल यह एजाज हासिल जे वारिया तिम आर्टिस्ट वारिया तिम गुलोकार तिम फनकार यहंद खतर दूरदर्शन प्लेटफॉर्म बनो तिमन कोर अल्लाह ताला पत बड़ इनायत कर तिमन मोल जिंदगी में बोड़ मकाम वारिया नाव वारिया शोहरत इतनी गुलोकारन मं गुलोकारा शाजिया बशीर यम दूरदर्शन सी मुनसलिक सपदे तो दूरदर्शन जन मिले सुर प्रोग्राम ओस तथ मज शमूलियत तथ मज बने पार्टिसिपेंट तो सो मुकाबले ये जोनुक तम पत बने शाजिया बशीर अख बड़ गुलोकारा इहुन च नाव तो इहुन च वारिया फैन जती तौर मे ति इहुन आवाज वारिया खुश करा। वलियो करो प्रोग्राम आगाज इहुंजी आवाज सी पत करो अजकिस मेहमान सी मुलाकात अस सारी रोजो वुछान अस सारनी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो बिल्कुल सही गुड मॉर्निंग J&K।
अदाकारा सन पर अक्सबंद नगमा शाजा बशीर की इंतहाई खूबसूरत आवाज़ में आप सुन रहे थे, बगौर हम भी सुन रहे थे, और इस नगमे के साथ जूमने का दिल करता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस नगमे को गाया गया है। और अब हज़्ब दस्तूर आज के मेहमान से मुलाकात का वक्त हो रहा है। जिस तरह हम प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बातें कर रहे थे अच्छी सेहत के हवाले से, उसमें एक बात रह गई कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ करना इलाज से बेहतर साबित हुआ है, हर दौर में साबित हुआ है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कभी कभार हम खान पान में या बाकी चीज़ों के हवाले से चीज़ें ओवर कर देते हैं, हदूद से बाहर निकल जाते हैं हम, और उसका फिर खामियाजा उठाना पड़ता है। खैर, आज के मेहमान के हवाले से आपको बता दूं कि ताल्लुक इनका अदबी तौर काफ़ी ज़रखेज़ अदब नवाज सरजमीन बद्रवा से है। इन्होंने हेल्थ सर्विसेज जम्मू में अपनी खिदमात अंजाम दी है एक लंबे अरसे तक, और ये सन 2000 में डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के अहदे से सबकदोश हुए हैं। 23 साल इन्हें हुए हैं नौकरी से सबकदोश हुए, लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई देखकर कि इनके इरादे माशाल्लाह कितने मुसम्मम हैं, और इनका एक ऐसा शौक़ है जिस शौक़ से अदबी हलकों में इनका बड़ा नाम है। ये कलमकार हैं, दर्जनों किताबें अभी तक इनकी मंजर आम पर आई हैं, टेबल पर कई रखी गई किताबें हैं जिन्हें हम बाद में आपको दिखा देंगे, और इनकी अदबी खिदमात के ताल्लुक से भी बात होगी, और हेल्थ सर्विसेज में जो इनके तजुर्बात हैं, मुशाहदात हैं, उन मुशाहदात और तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे नौजवान दोस्तों को, डॉक्टर्स को, मौलजीन को और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो आइए करते हैं मुलाकात हमारे आज के मेहमान से। आप हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद बद्रवाही साहब। जनाब बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत को कबूल करने के लिए। शुक्रिया जनाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ी ख्वाहिश थी आपके साथियों से, आपका जिक्र खैर इससे कबल कई बार हुआ है उनसे बात करने के दौरान, तो थी चाहत दिल में कि आपसे मुलाकात करें। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने हमारी इस आरजू को पूरा किया। इससे कबल कि हम आपकी आपकी ज़िंदगी का जो अदबी सफ़र है उस पर हम बात करें, हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी ज़िंदगी की यादों में ज़रा पीछे ले जाएं और हमें बता दें कि आपकी ज़िंदगी के किताब के वो पन्ने जिन पर आपका बचपन लिखा हुआ है, आपके बचपन की यादें लिखी हुई हैं, उन्हीं पन्नों पर नज़र दौड़ाते हुए कुछ बातें हमें सुनाएं। असली मेरी पैदाइश बद्रवा के मोहल्ला थड़ा में हो गई जी। मोहल्ला थड़ा और मोहल्ला मस्जिद के दरमियान में बाजार है जी। बाजार के एक तरफ मोहल्ला थड़ा है और दूसरी तरफ मोहल्ला मस्जिद है। ओके। तो मैं मोहल्ला थड़ा में रहता हूँ। तो मेरी पैदाइश हुई 3 मई 1942 को। अच्छा। तो मेरी वालदा मुझे ले गई वहाँ के जामे मस्जिद के इमाम के पास। अच्छा। कि इसका कोई नाम बता दें। तो उन्होंने दो नाम बताए, एक अब्दुल मजीद और एक उस्मान। अच्छा। तो उन्होंने अब्दुल मजीद नाम इंतखाब किया। चले ठीक। तो बाद में शायद उनको ये ख्याल था कि दूसरा लड़का अल्लाह दे देगा तो उसका हम नाम उस्मान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद उनकी 5 बेटियां हो गई माशाल्लाह। ठीक। तो अब ये उस्मान नाम की कमी जो है वो हमने पूरी की। अच्छा। मेरा पोता है जो इंजीनियरिंग करके हैदराबाद में है, तो उनका नाम, तो उसका नाम हमने रखा बहुत को उस्मान बिन खालिद। अच्छा, खालिद साहब के फर्जंद। ठीक। अच्छा, तो मैंने मैट्रिक जो है वो श्री अमर हाई स्कूल बद्रवा से किया, जिसका अब नाम है हायर सेकेंडरी स्कूल बद्रवा। अच्छा। तो 1958 में वहाँ से मैं डिग्री कॉलेज बद्रवा में गया। तो 1960 में वहाँ से पास होकर तो मुझे सीट मिली पटियाला मेडिकल कॉलेज में। ओके। तो वो थोड़ा सा मैं 1-2 साल तक काफ़ी तजब्जुब में रहा वहाँ, क्योंकि वो ज़बान, वो खाना पीना और वो लोग, और मैं 5 साल तक वहाँ मैं एक ही मुसलमान था। अच्छा। लेकिन अल्लाह के करम से मुझे इतना आराम दिया वहाँ के साथियों ने और टीचर्स ने। अच्छा। कि मैं बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। एक दफ़ा किसी वजह से मेरा लोन नहीं आया। अच्छा। तब लोन मिलता था हमें 7,500 रुपये पर ईयर। ओके। तो वो जब नहीं आया तो वो हॉस्टल का जो वगैरह जमा कराना था, केयर टेकर था, तो उसने कहा कि भाई
हमने नोटिस निकाला है कि जिसका पैसा नहीं आएगा हम उसको निकाल देंगे। अब मेरे तो तोते उड़ गए, होशी उड़ गई होंगे जाहिर सी बात है। तो वो भांप गया। अच्छा, तो उसने मुझे कहा कि कहता कोई बात नहीं भाई, तू सरदारनी दे कोल जा, उतू पैसे ले आ। अच्छा, अपनी वाइफ के लिए कहा। अच्छा, उससे पैसे ले लो। तो खैर उसने कहा नहीं, एक दो दिन इंतजार करते हैं, तो जब मैं तो परेशानी नहीं है। तो उन दिनों यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था ईएन मंगत राय। अच्छा, ये आईसीएस था। जी जी जी। तो मैं हॉस्टल में गया तो मैंने टेलीग्राम एक लिखा, ठीक, रेस्पेक्टेड ईएन मंगत राय चीफ सेक्रेटरी जी साहब के नाम ही लिखा, ठीक, कमिटिंग सुसाइड, रेस्पॉन्सिबिलिटी यूअर्स। अच्छा, तो दूसरे दिन हलचल मच गई। ओके, तब जिसको आज ये कहते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तब इसको कहते थे जनरल डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ब्रांच। अच्छा, जेडी को तब तो कहते थे। वहां से यहाँ बड़ी हलचल मच गई उस वक्त की और आज कल की एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा फर्क है, बड़ा रिस्पॉन्स इमीडिएट हुआ। तो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया, तो उसने बुलाया कि वो भाई बड़ी छलांगा मार रहा था। मैंने कहा जनाब क्या हो गया? कहते ये टेलीग्राम क्यों लिखा? मैंने कहा सर मेरे पास तो और कोई जरिया था नहीं। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका रिजल्ट पास होना चाहिए। मेरा तो हो गया है लेकिन पैसा वक्त पर नहीं आया। सही। तो कहता नहीं, अब पैसा उन्होंने भेज दिया है। अच्छा, तो ये इस तरह करके तो मैं 65 तक वहाँ रहा। मैंने 65 की जंग में वो जो परेशानी थी तो वहाँ से निकला। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो हमारे प्रिंसिपल के पास हम रात के 2 बजे गए, मैं और मेरा एक कुलीग था नेपाल का लड़का। ओके, तो हम उनके पास गए तो ये डॉक्टर अमरजीत सिंह थे, तो उन्होंने कहा भाई आप चले जाओ घर। ओके, लेकिन ऐसे करना कि स्टेशन पर कड़ा ले लेना। अच्छा, तो मैंने 2 खरीदे, एक इधर तो एक इधर, ठीक। तो अब मैं वहाँ जो ज़रूरत भी नहीं होती थी तो लेकिन मैं वैसे पूछता था। अच्छा, यार टाइम क्या हो गया? अच्छा, जस्ट शो हिम कि भाई मैं चलो इसको डैमेज ना हो जी। तो इस वजह से वो पहच से मैं वहाँ से आया है। तो वहाँ से आकर मैं जम्मू में लग गया, फिर भदरवा में गया, फिर किश्तवाड़, डोडा, रामबन। तो माशी जिंदगी की शुरुआत कब से हुई? किस चीज़ की माशी जिंदगी की? जब डॉक्टर आप कब बने? हाँ। या ये डिपार्टमेंट कब ज्वाइन किया? ये 68 में, तब हमारी तनख्वाह थी 250 रुपये। अच्छा। हाँ, तो मैं उधर से आते मैं इंटर्नशिप मैंने जम्मू में ही की। ओके ओके ओके, ठीक। तो उसके बाद ये जो सफ़र है ये आगे बढ़ा और आपको मुख्तलिफ अजला में, दूर अफ्तादा इलाकों में, रिमोट एरियाज में काम करने का मौका मिला और उससे जिंदगी में एक बड़ा तजुर्बा आपको हासिल हुआ होगा। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल तलीबा के जहन में भी होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप फॉर्मल डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ जम्मू रह चुके हैं। पहला सवाल मैं इसी का करूंगी कि एज अ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस कि क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक डायरेक्टर की हेल्थ सर्विस पे लुकअप करने की आपके वक्त में, क्योंकि आपने स्पेंड किया है टाइम, व्हाट वाज द वे, व्हाट वर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज? एक्चुअली तो मेन फिगर तो था डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, उसके आगे 2-3 डिप्टी डायरेक्टर्स थे। और आप क्या देखते थे डॉक्टर साहब? आपको मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था मैं और वो स्कीम्स वगैरह को भी देखते थे। ठीक। तो इस वजह से हर जिले में उसकी खबर रखनी होती थी। राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यही है कि भाई किसकी सिटे पूरी हो गई, किसको ट्रांसफर करना है, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ नहीं है। तो वो आप समझो कि मैं स्टाफ ऑफिसर था डायरेक्टर का। अच्छा। हाँ। अच्छा, चूंकि भद्रवाह सच तो हूँ तो लोग सठी जरखे जमीन अदबी के हवाल जबन हिंद हवाल तो यूजन यह अदबस सहुद लोई खोई गो या तह करू लेखनी शुरुआत यह उसा गरस मज तमु कस्मु का माहौल गरस मज उसा कान लेखान या हमसायगी मज अलाकस मज किन इतफाकी गो जो तुलो कलम हूँ लेखन ना ना गरे उस ना इस काम तमु कस्मु माहौल। अच्छा, मेरे वालदेन टोटली अनपढ़ थे। अच्छा ना, तो मेरी जब मैं किश्तवाड़ में लग गया
तो किश्तवाड़ में मेरी मुलाकात हो गई इशरत कश्मीरी से। अच्छा, तो वो शायद पहले यूपी के थे लेकिन उन्होंने शादी किश्तवाड़ में की थी। तो एक दिन वो सुबह ही आ गए, उसने कहा जी यार ये मेरी मिसेस को तकलीफ़ है तो आप आ जाओ। मैंने कहा जी दो मिनट में शेव करता हूँ। अच्छा। जितनी देर तक मैंने शेव किया, मुंह धोया, तो उसने वहाँ पड़ा हुआ एक कागज़ देखा। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार ये किसने लिखा है? मैंने कहा मैंने जी वैसे बैठा। कहता नहीं नहीं आपका तखल्लुल तो बहुत अच्छा है। अच्छा। ये ज़बरदस्त तखल्लुल है। ठीक। तो आप लिखते क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं जरा हमें कहाँ फुर्सत मिलती है हॉस्पिटल्स में। उन्होंने कहा नहीं 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 वो लिखो। अब वो ये उठाकर तो ले गए, तो संदेश में उन्होंने आने वाले संडे को इसको छपा दिया। संदेश मैगजीन होता था ना? अखबार, अखबार था, अखबार। अच्छा। तो उसके बाद ये मुझे अखबार मिला तो उसमें मैंने देखा अफसाना। अच्छा। तो इसकी हेडिंग उन्होंने रखी थी लो आप अपने दाम में। अच्छा, ठीक ठीक। अगले एतवार को एक और अफसाना मेरे नाम से उसमें छपा। अच्छा। मैंने कहा मैंने तो दिया ही नहीं है, ये कहाँ से आया? मैंने उनको फोन किया, तब ये तो नहीं था वो डायल वाला फोन। तो उसने कहा नहीं 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 ये मैंने लिखा है आपके लिए। अच्छा। आपको मोटिवेट करने अच्छा, के लिए, हौसला अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। तो ये अच्छा। ये वो था। अब देखे उस दिन की उर्दू नवाजी और आज में कितना फर्क है जी। मैंने एक टाइम में एक अफसाना लिखा है हाथ की लकीर जी, तो उसमें वो कोई ज्योतिषी के पास कोई जाता है तो अच्छा, वो कहता है कि आपकी ये लंबा चौड़ा है, आपकी उम्र बड़ी लंबी है, लेकिन बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ओके। तो वो कोई कहता है कि यार आपका आपकी तो ये लाइफ लाइन इसकी बहुत लंबी थी लेकिन इसको तो ये चौधरी के घर से बाहर निकला और वहाँ एक्सीडेंट तो इसकी मौत हो गई। तो ये मैंने दिया था अफसाना एक हमारे दोस्त ही हैं, वो प्रिंसिपल थे किसी हायर सेकेंडरी। मैंने कहा जी इसकी ज़रा करेक्शन करें। अब वो मेरी बदकिस्मती वो घर चले गए, ये किसी टीचर ने उठा लिया और अपने नाम से छपा लिया, अंजुमन अखबार में छपा दिया। मुझे किसी ने कहा कि यार आपने मुझे सुनाया था लेकिन ये तो किसी और से गया। फिर मैंने का बड़ा मामला, फिर मैंने उसका लिखा जी। हाथ की लकीर की चो का सिरका, हाथ की लकीर का सिरका। ठीक। तो ये फिर किश्तवाड़ से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ जी, जी जी। फिर वहाँ से मैं डोडा आया तो डोडा में वली मोहम्मद असीर साहब थे, हाँ, ये असीर मैं चीफ मेडिकल अफसर था तो वो चीफ अकाउंट्स अफसर थे जी जी जी। उन्होंने भी मुझे हौसला अफजाई की आपकी, कौशल पेशन अंगजा अंगजा कर रखो। अच्छा, उन्होंने कुछ सच्ची तारीफ की, ज़्यादातर वैसे तारीफ की। तो फिर मैं वहाँ से लिखता गया, वहाँ मुश्ताक फरीदी थे, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा किया। फिर हमारे भदरवा के ये बशीर भदरवा, बशीर भदरवा ही सा बड़ा नाम है अदबी हलकते थे, तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा नहीं आपको लिखना चाहिए। अच्छा, तो इस तरह आपकी हौसला अफजाई होती रही, होती आप गई लिखते और गए और आप उर्दू जुबान में ही लिखते हैं गालिबन? उर्दू में, उर्दू में ही लिखते हैं सिर्फ। तो आपकी कई किताबें हैं जिन किताबों के हवाले से आगे हम बात करेंगे। चूंकि हेल्थ सर्विसेज में आपका एक बड़ा तजुर्बा है, वसी मुशाहिदा है, तो आपने आज तक सैकड़ों मरीजों का इलाज किया होगा और आपकी दस्त शिफा से उनको परवरदिगार ने उनकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उनको दुरुस्त किया होगा। चूंकि ग्रास रूट लेवल पर हम देख रहे हैं सरकार की जानब से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों की दहलीज तक सेहत के हवाले से सहूलियात पहुंचाई जाए, लेकिन आज से 30 साल 40 साल कबल जिसका आपका तजुर्बा भी है, जो सेहत के हवाले से सहूलियात थी उसमें आप कितनी बेहतरी देख रहे हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, देहात में? पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, डेडिकेशन बहुत कम हो गई है। अच्छा। और क्लिनिकल सेंस बहुत कम हो गई है। मतलब आपको शायद ही कोई दो तीन मिलेंगे डॉक्टर अलीक जान जैसे, डॉक्टर अलाकबंद जैसे, अलाकबंद जैसे। वो तो जो ही किसी ने कह दिया कि जी मुझको खांसी है तो उन्हें कहा जी डिजिटल एक्सरे कराओ। सिटेथो कोई इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ आप लटकाने के लिए है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जी, वो तो कोई लगाता नहीं है ना, उसके पास टाइम है
और रश भी बहुत ज्यादा है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो भी हाई अब हैं। बदकिस्मती ये है कि अब चलो यहाँ तक ठीक है कि आप डिजिटल एक्सरे करो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर दुकान के लिए पास भेजता है। सही है, अब इसीलिए उसको लगता है उसका कि क्या? कोई अच्छा कट है शायद अपने इस डॉक्टर साहब तो का, वो, कट है जी। अच्छा फिर लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह भी कुछ तो वो कराएंगे जिसकी जरूरत है, कुछ तो वो कराएंगे जिसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरली भी कई सारे टेस्ट कराने के लिए तो कहा जाता है। ये है वो क्लिनिकल सेंस में, मतलब जैसे हमारे टीचर्स ने बताया कि जब पेशेंट अंदर आ जाए तो आप उसकी चाल देखो, सीधा चलता है, पैर घसीट कर चलाता है। अच्छा उसके ये बाकी कई सारे जो ये इंडिकेशंस हैं अबरूए शायद। हैं ये पूरी हैं, क्योंकि लेप्रेसी में लेटरल थर्ड बाल होते नहीं हैं अच्छा, या या किसी फॉर का। दैट मैटर इस पेशेंट से बात करना, इंटरेक्ट करना, इसका बैकग्राउंड सुनना, किन मुश्किलात किन मामलात से गुजरा है वो जानना, वो बहुत ज़रूरी है। उसको तो हिस्ट्री सुनने के लिए तो ना टाइम है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, न वो पूछते हैं तो न ये सुना देता है। सही है, तो उसे अब प्रॉपरली डायग्नोज होना मुश्किल है। तो वो है, मतलब मैं पता नहीं है ये अब खुद की तारीफ हो कि क्या। जम्मू में हमारा एक ये नलके का वो जो पानी छोड़ता था, बंद करता था, उसने 3-4 दिन पानी नहीं छोड़ा। मैंने कहा यार हमें तो वुजू के लिए भी पानी नहीं है। अच्छा उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास 35,000 रुपये थे, मेरी बीवी बीमार है तो वो ठीक नहीं हुई। मैं कतई कलामी के लिए माजरत खाऊं, ये जो एक किस्सा है ये वाकई बहुत दिलचस्प होगा, ये हम ज़रूर सुनेंगे आपसे और इसमें कोई ना कोई ज़रूर कोई मैसेज पोशीदा होगी। लेकिन फ़िलहाल नाज़रीन हमें रुकना होगा एक वक्फ़े के लिए, क्योंकि वक्फ़े का मुकर्रर वक्त होता है। तो वक्फ़े से लौट कर जब हम आएंगे मज़ीद बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग जे एंड के। वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज के हमारे मेहमान, हमारे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब जो फॉर्मर डिप्यूटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू रह चुके हैं। डॉक्टर साहब आप एक वाका सुना रहे थे, पहले आप बुक मुकम्मल कीजिए। तो जब मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार ये नहीं है, कहते जी मेरे पास कोई 35,000 रुपये थे जी। तो उन्होंने जी सर से लेकर पैर तक किया तो लेकिन आराम नहीं हुआ, तो मैं अब उसको घर लाया हूँ। अच्छा, अब मैंने कहा यार मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ लेकिन मेरी नज़र में जो 2-3 हैं तो मैं किसी को रेफर करके मैं उसको भी इलाज बताऊंगा, करवा यार ये दूँ। बड़ा गरीब आदमी है। तो मैंने कहा वैसे ला उसको ज़रा। अब जैसे ये सोफ़ा है उधर ये भी दूसरा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा गुजर था वो, मैंने कहा कुड़िए लेट जाए इधर। अब वो जब लेट गई तो मुझे, मैंने उसका पेट ज़रा उसे देखा तो मैंने इसके कान में पूछा, मैंने कहा यार इसको बचा तो नहीं है? कहते नहीं जनाब। अब मुझे सम हो दिमाग में आ गया तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा तू चुप करके बैठ, मैंने कहा कुड़िए तुझे यूं तो नहीं हो रहा है कि 2 दिन कब्जी और 2 दिन लूज मोशन? कहता या ही हो गए। हाँ अच्छा यही है। वो छलांग मारी उसने। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये निशानी थी कि इसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इंटेस्टाइन्स है। ओहो अच्छा, उस तरफ तो कोई गए नहीं। हाँ, तो अब मेरे एक डॉक्टर शर्मा थे TB हॉस्पिटल में जी। अब मैंने उसको इधर उधर, मैंने कहा यार तूने बड़े पैसे ऐसे कमाए हैं, लड़का तेरा लंदन है, लड़की की शादी, यार ये बेचारे गरीब है गरीबों का भी भला कर दे जी। तो भेज दो उसको, भेज दिया उन्होंने, उसको दवाई दे दी। तो अब वो TB का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, घर पर ही दवाई देते हैं और मुफ्त मुफ्त दवाई मिलती तो है। उसको वो दवाई ववाई दे दी तो वो 15 दिन के बाद वो टोटली इम्प्रूव हो गई। अच्छा, अब जब
बाद में मुझे एक दिन बाजार में मिली, उसने सलाम किया तो मैं आगे निकल गया। तो उसने कहा डॉक्टर साहब तुसी मैनू पछाणिया नहीं। अच्छा, ये वही मरीज थी? ये वही थी। तो उसका मतलब ये है कि तभी मुमकिन हुआ जब आपके पास वक्त था और आपने प्रॉपरली उसे पूछा, इंटरेक्ट किया, और तभी जो है चीज़ें प्रॉपरली डायग्नोज होती हैं। अदरवाइज अगर खैर उसमें हम मोलजीन को भी मुझे लगता है जिम्मेदार ज़्यादा नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इतना रश रहता है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में खासकर, तो ये कहाँ मुमकिन है कि हर एक पेशेंट से तफसील बात कर पाए डॉक्टर। खैर आपसे हमें तफसीलात और भी हासिल करनी है आपके काम के हवाले से, तजुर्बात के हवाले से, और जो आपके अदबी सफर इस बारे में। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब अखबारात की सुर्खियाँ हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही खास सेगमेंट होता है, और अखबारात की सुर्खियों के लिए हमारे नाज़रीन इंतज़ार भी करते हैं, आप भी आज घर से जल्दी निकले हैं तो आई एम श्योर कि आपने भी आज कोई अखबार पढ़ा नहीं होगा, तो आप भी सुन लीजिएगा आज के अखबार क्या लिखते हैं। हम आगाज करेंगे एक मकामी उर्दू रोजनामे की सुर्खी से, हुकूमत गरीबों की बिजली बिलों का ख्याल रखेगी मनोज सिन्हा, लेकिन जिनके ऊंचे ऊंचे मकानात हैं, 5G इंटरनेट सहूलियात और आईफोन है, उन्हें इस्तेमाल के मुताबिक बिल अदा करनी होगी। गुज़श्ता 4 सालों में 20,000 करोड़ रुपए में बिजली उधार ली, ऐसा नहीं चलेगा, जितनी बिजली खर्च होगी बिल अदा करनी ही होगी। लोगों को स्मार्ट मीटर की तनसीब में तावन करना चाहिए, 100 मीटर वाले फीटर में 1 मिनट भी बिजली की कटौती नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी। जी नाजीन, मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। J&K kept alive time test traditional wisdom knowledge, LG inaugurates Vaishav literary festival at Kulgam। जी जनाब, और एक सुर्खी एक अखबार की, बल्कि ये खबर तो तमाम अखबारात में शाया हुई है, 8,000 कुंभों के पास अपने मकान नहीं, जिनके पास अराजी नहीं उन्हें जमीन फराहम की गई और उनमें से एक भी गैर कश्मीरी बाशिंदा नहीं। LG जी नाजरीन, एक और अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। वाटरमेलन कल्टीवेशन टर्न स्वीटर फॉर गांधरबल फार्मर्स, इसी अखबार से एक और सुर्खी। इंटर डिपार्टमेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट कंक्लूड्स एट IUST, इसी अखबार से एक और सुर्खी। JKEDITIE चंडीगढ़ कोलैबोरेट टू बूस्ट एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इन UT। जी उर्दू अखबार पहले सफे पर रकम तराज है, तारीख में पहली बार सब्जियों की कीमतें कोत खरीद से बाहर, मुर्ग से महंगा साग, टमाटर फराश बीन मूली शिमला मिर्च कद्दू और बैंगन की कीमतें आसमान पर। मुर्ग की कीमत मार्केट में इस वक्त फी किलो 110 से 115 रुपए है, मगर कश्मीरी साग 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। और एक सुर्खी, जम्मू कश्मीर फार्मेसी तमीमी बिल लोकसभा में मंजूर, 2011 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पैक्ट्स करने के अहल। जी नाजरीन, एक और अंग्रेजी अखबार, सुर्खी सुनिए। नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एट कश्मीर हाट, इसी अखबार से एक और सुर्खी। आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस एट खान साहब, 1 dies and 8 test positive, इसी अखबार से एक और सुर्खी। इन एडवोकेट वॉशरूम फैसिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पुट स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स टू सीवियर हार्डशिप्स, हेंस नीड्स अर्जेंट अटेंशन। जी जनाब, उर्दू अखबार की शायद सुर्खियाँ। अमरनाथ यात्रा खुश असलूबी से जारी, एक और काफिले ने किए दर्शन। मुशीर भटनागर ने श्रीनगर में मिशन इंद्रधनुष 5.0 इम्यूनाइजेशन मुहिम का आगाज किया, कहा मिशन इस बात को यकीनी बनाएगा कि हर बच्चे और मां को जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन तक रसाई हासिल हो। एक और सुर्खी इस अखबार की, वो सुर्खी बल्कि इस अखबार में भी छपी है ज्यादा बेहतर तरीके से और क्लियरली छपी है, तो मैं इसे ले लेता हूं। श्रीनगर में फर्जी IAS और IPS जोड़ा गिरफ्तार, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी अखबार की एक और बल्कि दो और सुर्खियां। आजाद की सरबराही वाली DPAP को बड़ा झटका, 4 सबक अरकान असेंबली की कांग्रेस में वापसी। सबक ब्यूरोक्रेट गजनफर अली और सबक डायरेक्टर सुकास्ट भी पार्टी में शामिल। और एक सुर्खी, लोकसभा ने सालसी बिल 2023 को मंजूर किया, अदालतों में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी आएगी, अर्जुन मेघवाल। जी नाजीन, मेरे पास भी एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। मुंबई क्रिकेटर सरफराज खान मैरिज अ शोपियन गर्ल, इसी अखबार से एक और सुर्खी। ईरानियन वेमेंस कबड्डी टीम टूरिंग इंडिया रिवील इंस्पिरेशन। जी तो ये थी नाजरीन अखबारात की सुर्खियां जो आप तक पहुंची, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद भद्रवाही से। भद्रवाही साहब भद्रवाह से इनका ताल्लुक है,
तो अपने इलाके का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना, ये खुशी की बात होती है उस इलाके के लोगों की भी। अगर उस शख्स ने ज़िंदगी में कोई ऊंचा मकाम हासिल किया हो तो इलाके के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है। बदरवा जाते हैं कभी कभी? कभी कभी जाते हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये बताइए, शुरू में एक्चुअली मैंने कहना चाहिए था, जब मेरा नाम उन्होंने अब्दुल मजीद रखा, हाँ, तो जब मैंने MBBS किया तो इसके साथ जुड़ गया डॉक्टर अब्दुल मजीद। फिर जब मैं इन अदबी दुनिया के साथ वैसे गुस्ताखी की तो उसके साथ बदरवाही मैंने जोड़ दिया। जो ये अपना जाती फैसला था कि किसी ने तजवीज आपके सामने रखी? एक और डॉक्टर साहब थे, अच्छा अच्छा अच्छा, एक उनका भी यही नाम था, ठीक। तो मुझे ये लगा कि कभी मैं अफसाना लिखूंगा तो वो इसका नाम ले लेगा, तो इस वजह से मैंने। अच्छा, खैर, आपकी कई किताबें हैं, इन किताबों के बारे में हमें बात भी करनी चाहिए। और बड़ी खुशी हुई कि आपने हज और उम्रा के हवाले से कुछ गाइड भी तरतीब दिए हैं, मुख्तसर तरीका हज व उम्रा, एक किताबचा, इसका टाइटल कवर देख लीजिएगा। और ये बड़ी अच्छी कोशिश है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात, ये वाकई एजाज़ की बात है कि आपने इसे तरतीब दिया। और इसके अलावा और भी कुछ किताबें, इंतखाब नूर, इस बारे में ज़रा बता दीजिएगा, इस किताब के कंटेंट्स क्या है? इसमें औराद फतिया है, अच्छा, दुआए रिकाब है, कुछ दुरूद शरीफ हैं, कुछ नात हैं इसमें, नात हैं इसमें, बशीर भद्रवाही का, मंशूर साहब का, और ये मुश्ताक फरीदी का, बड़े इन्हें सारी इन लोगों के। बहुत अच्छा। और इसके बाद और एक इंतखाब नूर है, ये मुख्तलिफ किताब है क्योंकि इसका टाइटल कवर, ये उसका दूसरा, ये शायद तीसरा एडिशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये काफी लोगों ने, तो ये किताब बहुत डिमांड में रही है, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद और एक किताब है, बताइएगा हमें इस बारे में भी। हाँ, ये 40 हदीस हैं, इसमें ये जो हम ये रोजमर्रा गलतियां करते हैं कि टोपी के बगैर भी नमाज हो सकती है, अब फलाने के बाद ये है। और दयारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज और उम्रा के साथ साथ इसमें ये हुजूर का ये बता दिया गया है कि भाई कहाँ कहाँ हज का कौन कौन सा मकाम है, रियाजुल जन्ना में क्या है, तवाफ कैसे है, वो कैसे है। ओके ओके। और उसके बाद चूंकि आप एक अफसाना निगार है और आपके अफसाने इस किताब में छपे हैं, इसका नाम है चुबन, कितने अफसाने इसमें छपे हैं इस किताब में? मेरे ख्याल पता 60-65 है। अच्छा, 65 इस पर लिखा होगा कि, अच्छा 65, चलिए ठीक है, ये लेकिन एक जखीम किताब लग रही है। अच्छा, ये अफसाने जो आप लिखते हैं, इसकी में ये जो चुबन हमने के बड़ा अनयूजुअल जैसा नाम है, तो ये मैं बताऊं कि मेरी पोस्टिंग जब यहाँ अखनूर में हो गई, तो अखनूर में अब उन दिनों ही एक सरदार साहब थे, वो शायद CBI के कुछ इंस्पेक्टर थे या क्या DSP थे, तो वो भी शहर को जाते थे, तो मैं भी 3-4 दिन, वो भी नए थे इलाके में, मैं भी, तो हमने एक दूसरे के साथ बात नहीं की। ओके। तो एक दिन जो ये हम चल रहे थे, तो उसने कहा, ये कहता गालबन आप यहाँ नए आए हो? मैंने कहा, कहता मैं भी नए आया हूँ। कहा अच्छा, तो अब एक दिन दफ्तर के उसके आगे से निकल गए, तो उसने कहा बैठे जी चाय पीते हैं ये, तो मैं कहता मैंने कल जाना है कहीं, तो मेरी बेटी जो है तो ये आपके रहेगी रात को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आपके और कौन है? कहता मेरी बीवी तो मर गई है, तो ये लड़की एक है, तो लड़का मेरा कनाडा में है। तो मैंने कहा वो आता है कभी? कहता साल में 10-15 दिन आता है। तो ये कहते हुए उसकी आंखें भर आ गई। मैंने कहा जी आप सरदार हो, बड़ी दिलेर कौम है, तो ये तो मेरी गोद में बड़ा लड़का था जो उधर दुबई में है। कहता डॉक्टर साहब जब यही लड़का बड़ा होकर मुल्क से बाहर जाएगा, तो उस दिन जब आपको कोई कहेगा तो तब आपकी भी आंखें भर जाएंगी, मुझे उस दिन याद करना। तो वही किस्सा मैंने वो लिखा कि वाकई ऐसा ही होता है।
कि जब मुझे उसकी अपनी औलाद कहीं उसकी याद आती है तो मेरी आंखें मारे तो मुझे हरि सिंह याद आता है, तो उसका नाम था हरि सिंह चंदेल। अच्छा खैर, चूंकि जिस शोबे के साथ जिस पेशे के साथ आप वाबस्ता रहे हैं, वैसे एक मौलिज, एक मौलिम, एक उस्ताद कभी रिटायर होता नहीं। इस वक्त भी आपके पास मरीज आते होंगे एक्सपेक्टेशन के साथ, आप उनका इलाज भी करते होंगे, लेकिन ये कि जो आपके तजुर्बात रहे हैं तो मौजूदात की कमी नहीं रही होगी आपके पास, खासकर अफसाना लिखने के हवाले से आपके पास मौजूदात ही मौजूदात रहे होंगे जिन पर आपने अफसाने लिखे होंगे। उन अफसानों के हवाले से प्रोग्राम में आगे ज़रा बात करते हैं हम, लेकिन हमारे डॉक्टर तारिक मरगूब साहब ने हमारे लिए आज क्या रखा है गुड मॉर्निंग एजुकेशन में, ये एक रिकॉर्डेड सेगमेंट होता है और तारिक साहब हर बार हमारे लिए कुछ नई चीज़ लाते हैं, बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए, वालदैन के लिए, कि इस जदीद दौर में किस तरह हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और किस तरह अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। आइए देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन, उसके बाद डॉक्टर मजीद साहब से मजीद बातें होंगी। आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम देखते रहें टीवी पर भी देख सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब पर भी देख लें, डीडी कशिर की जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसे सर्च करके। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चा पढ़ता भी है, हम ट्यूशन पे भी भेजते हैं, फिर भी अच्छे नंबर नहीं आते, ग्रेड्स नहीं आते, वो समझ नहीं पाता है। तो आप सबको पता होगा कि अगर आपके घर में बहुत पुराना कंप्यूटर है, आउटडेटेड कंप्यूटर, और नया सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा आप उसके सामने रखें तो बहुत उसकी जो होगी स्लो होगा, क्योंकि कंप्यूटर में रैम अच्छा नहीं होगा जब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होगी, आपने उसमें हार्ड डिस्क अच्छी नहीं होगी, तो वो जो आप पढ़ाते हैं ये सेम चीज़ है दिमाग के लिए भी। अगर आप कितना भी देखा गया है दुनिया में 80% टीचर जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन क्या बात है कि बच्चे को हमें ट्यूशन बार बार भेजना पड़ता है फिर भी उसकी समझ में नहीं आता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव प्रॉब्लम है, वो कॉग्निटिव स्किल्स अगर वो डेवलप की जाएँ बच्चे में, क्योंकि आप देखिए सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा है हार्डवेयर की भी वो कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, दिमाग की वो न्यूरोप्लास्टिसिटी वो दिमाग में बढ़ाया जा सकता है, बच्चों को वो कराया जाता है, नई कनेक्शन डेवलप होंगे। वो कैसे होंगे जब बच्चों को हम नॉवेल चीज़ें कराएंगे, वो चीज़ें जिस पे उसको दिमाग में, देखिए जिम में जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर आया दिमाग पे, न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कैसे किया जाता है आप देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप बच्चे को जब दिखाएंगे आप, अब देखिए बच्चे को बोलते हैं इस इक्वेशन को बेटा करो, ये तो PhD के वे TDC के बात करते हैं, हम सेकंड क्लास का बच्चा ये करेगा, उसको बोलते हैं बेटा a+b = 10, b+c = 7, c+a = 11, आपको b का वैल्यू निकालना है, बच्चा सोचेगा इवन आप नहीं अभी कर पाएंगे, फिर बच्चों को कहते हैं बेटा कितना सिंपल है, इसमें a दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, तो इसलिए टोटल जो इस साइड से उसको ऐड कीजिए 10+7+11 वो 28 हो जाएगा, इसका मतलब दो बार ए दो बार बी दो बार सी इज 28, एक बार ए एक बार बी एक बार सी तो 14 है, ए और बी तो हमें दिया गया है 10, इसका मतलब C4 है, अब अगर C4 है तो C+B = 7, C4 है तो B3 है। दूसरा क्वेश्चन इसके अपोजिट में है, इसको बोलते हैं बच्चे पांच बच्चे आपके पास कुछ कॉइन्स लेके आ गए, सिक्के आ गए, उन्होंने कहा 20 कॉइन्स है आपके पास, ए और बी मिला के आपको 10 देते हैं, बी और सी 9 देते हैं, सी और डी 8 देते हैं और डी और ई 5 देते हैं, आपको हर बच्चे का देखना किसके कितने कॉइन्स हैं, बहुत सिंपल, दौड़ाइए दिमाग को, सोचवाइए बच्चों को, बच्चों को सोचना, फिर बाद में कहिए कितना इजी है, ए और बी को 10 दे दीजिए, सी और डी को 8 दे दीजिए, 18 हो गए, 20 में से 5 और ई के लिए 2 बज गए, अगर ई के लिए 2 बज गए तो डी के तो फिर 3 है, क्योंकि 2+3 5 हो गया, और डी के 3 है तो सी के फिर 5 हैं, क्योंकि 5 और 3, इस तरीके से फिर आप कराइए नंबर सीरीज एनालॉगीज, बच्चे को बोले बेटा 11+18+27 38 के बाद क्या आएगा, सोचवाइए, कहिए कितना सिंपल है, 11 से 7 मिलाइए 18, फिर 9 मिलाइए 27, फिर 11 मिलाइए 38, फिर 13 मिलाइए 51, एनालॉगीज दिखाइए, मुंबई के बदला गया अगर लिखा गया है LTLAZH, बेटा एक आगे एक पीछे, तो वो डी वाले को भी इजीली करेगा, वो कहेगा डी से पहले सी आता है, डी के बाद ये आता है, ऐसे करके वो इसको भी कर पाएगा। ये एनालॉगीज, ये क्रिप्टोग्राम, ये बच्चों को सिखाए जा सकते हैं, अगर बच्चों को ये पहले दिन करेंगे दे विल बी क्यूरियस, इसमें क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ती रहेगी कैसे होगा, क्योंकि जितना सोचवाएंगे उतने न्यूरल पाथवेज बनेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है, जितना खींचेंगे, एक सिंगर को आप देखिएगा हिप्पोकैम्पस में वो वाला एरिया बढ़ गया होगा, आप ऑटो वाले को देखिए वो वाला जो नेविगेशन वाला पार्ट है वो वॉल्यूम में भी बढ़ चुका होगा, तो ये चीज़ें जब बच्चों को कराएंगे, जब वो सोचवाएंगे, तो ये चीज़ें बच्चों को आप देखिएगा दे विल बिकम मोर जीनियस, कैपेसिटी बढ़ जाएगी और क्यूरियस हो जाएंगे, हर चीज़ वो कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजिली। तो कॉग्निटिव स्किल्स के लिए अटेंशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रीजनिंग, लॉजिक्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को कराई जा सकती हैं थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और आज आप मुझे दे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जे एंड के।
वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जैन के। और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक मरगूब साहब का इस खूबसूरत से सेगमेंट के लिए। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जो है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल मजीद बदरवाही साहब है, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल मेरे जहन में आया कि आपने जो ये इतने अफसाने लिखे हैं, ये सारा जो मटेरियल है या जो आइडिया ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से डिराइव होता है? मुझे इस पेट हम बाकी अफसानों वाल पान सही। तो अगर कह डाक्टर लिखन वोल आ तमिस मौजू हर पेशेंट एक मौजू है सही बिल्कुल। तो अगर सो वे तम सटोरी बोज मतलब कहान हूँ मतलब तुम वो कि नबी इत पेट हेल्दी तो मगर अद पतन बीठक ये ब्रोठ कन ऐसे त्रवित चोर पाँच फिर शुत यह क्या दलील ना क्या ना वो ये तुम तुम जरा 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 प्रशांत पन्न तजर्ब से वह मे मे गर वोल सतान कि हश है सतान दपन हत क्या वनो क्या तय तो सो तो ये अमिस अपना ये थो ये सोरे यह पे सोरे वन तो आपका ये बन जाता है सही कत सह पे सो छांडन छांडन कि बाकियन पे पत छांडन पत तिल कलस थप कर दबाव डाल बादम खेल वो याद करुन तो मे पे क्या अच्छा अमी वजह सू जम्मू प्रावंस मन बो मान खतल अक डाक्टर इस लखन ये नजीर मुश्ताक सब लखान अच्छा ये बताइएगा हमें कि उसके बाद जब कोई मौजू आपको मिल गया, अब उस मौजू पर अफसाना लिखना, इसके लिए वो सांचा चाहिए, उसके लिए वो जुबान चाहिए, और हर कोई इंसान तो लिख नहीं सकता, इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, इसका अपना एक ग्रामर है। तो आप ये बताइएगा कि आप ज़ाती तौर किस अफसाना निगार से मुतासिर थे, या जिनको आपने जिनका आपने मुताला किया, जिनके अफसाने आपने पढ़े, और उसके बाद आप में ये शौक पैदा हो गया? अच्छा मैं मानू तो ये कि अफसान लिखित उस में यात पाने भाषण की है यात मन कमी वारा कमी अच्छा या यात गया बड़ा कैची आसुन टाइटल अनवान ओके तो बोस उस पाते तकरीबन बेचन अच्छा वन दो सता सच टाइम या दे अच्छा बुसुस लेखन शॉर्ट अफसान हो दना से अफसान जी तो अच्छा या ओस सुन राव रवित या ओस तात यह तलुक पे सुन कर क्या तय तो मे कौर पत यह कि नुत मान अपनी खिंद को दुशाला समझो मे दिन बो वो तो बाकी मे सन यो सम्रेस गुलाम नबी खयाल नूर शाह परवेज मानूस असीर किश्तवाड़ी बशीर बदरवाही खालिद हुसैन त्रेशव यम साहित्य एकेडमी अवार्डीज अच्छा यह शाद फरीद आबादी मंशूर मजरूब इथे पेट वारा माशाल्लाह जो कश्मीरी जुबान में कश्मीरी जुबान की जो खिदमत कर रहे हैं और अपनी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं अपनी मादरी जुबान में ही वो बांटते हैं लोगों के साथ। अच्छा ये बताइएगा हमें कि जिंदगी के इस मोड़ पर आप 80 बरस के होंगे तकरीबन 80 साल के होंगे, जब पीछे मुड़ के देखते हैं कितना इत्मीनान होता है, कोई गिला कोई शिकवा तो नहीं कि ये करना था नहीं हो पाया या जो हो पाया वो नहीं होना था? ना ना ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं हर लिहाज से मुतमईन हूँ। बहुत तो बल्कि लोग बड़ी लंबी दुआएं करते हैं कि हमें ये चाहिए, मैं कहता हूँ जितना दिया वो काफ़ी है, अब अगर इससे ज़्यादा दिया तो फिर मैं लड़ जाऊँगा। बहुत खूबसूरत वजह से इसमें चूँकि आप खुद कलमकार हैं, एक शायर ने लिखा है कि वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। इसमें अजहर भाई मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी डॉक्टर साहब से, मैं इसी बारे में पूछना चाहूँ क्योंकि अजहर भाई ने बोला अभी तक के सफ़र का, यकीनन मुझे लगता है नाजरीन भी ये जानना चाहेंगी, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है, अभी तक की जो ज़िंदगी आपने गुजारी है खूबसूरत गुजारी है, आपका एक्सपीरियंस जो रहा है आप हमारे लिए क्या नसीहत देंगे, क्योंकि आपका तजुर्बा जो है हमारे बहुत काम आ सकता है, अगर आप कोई भी ऐसी खूबसूरत नसीहत आज मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ
बड़ापन है आपका माशा। लेकिन ये है कि आदमी हलाल की रोटी खाए, मेलिस नहीं रखे किसी के, वो जूद रंज वाला नहीं हो। सही। लेकिन ये तो मैं वैसे कहता हूं, मैं खुद सबसे ज्यादा जूद रंज हूं। मेरे साथ कोई बुरा करे तो मैं भूलता नहीं हूं, मेरे पास सब खूबियां हैं, लेकिन ये खूबी नहीं है। इस वजह से फर्ज करो मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया, एक दो तीन चार दफा, मैं कहता हूं उससे सरदर्द हो जाती है, बेटर है उसको डिलीट करो। सही बात है। और फिर मैं कभी उसको कह देता हूं कि कहे आपने जी मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने कहा नहीं मैंने तो डिलीट किया, आप उठाते नहीं हो फोन, इसका मोबाइल, इसका नाम है मोबाइल, मोबाइल मीन्स वेरीवर यू गो, इसको साथ ले जाओ। सही। मैंने कहा फिर इसका नाम रखो इमोबाइल। वो है। और दूसरा फिर हर किसी के काम आना चाहिए और हर किसी के लिए दुआ करें, चाहे वो कहे या नहीं कहे। मेरे यहाँ श्रीनगर, किसी जम्मू वाले को श्रीनगर में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, वो घास ही नहीं डालते। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस अफसानों की वजह से मेरे सारे ये लोग हो गए। मतलब एक सबजार साहब हैं, एक माशूक साहब हैं, रहीम राहबर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, सलीम सालिक बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। सही है। बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं और वो भी मेरी इज्जत करते हैं। अब यहाँ उर्दू का बहुत ज़बरदस्त काम होता है, जम्मू में तो ज़ीरो के बराबर है। और मुझे हर दूसरे दिन इन्विटेशन आ जाती है जी यहाँ मुशायरा है, यहाँ अच्छा पार्टिसिपेट करें। तो आदमी हलकों में माशाल्लाह से बराबर आपकी इज्जत और आपका इहतराम है। आप साफ सुथरे रहो। सही है। हर किसी के दूसरों के लिए नीयत अच्छी रखे, दूसरों के लिए ठीक नीयत रखे तो परवरदिगार आपके मामलात को बेहतर कर देता है। अच्छा, चूंकि एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो मैंने जिंदगी में किया अच्छा किया तो मेरे बच्चे भी उसी को फॉलो करें, उस लेगेसी को आगे बढ़ाएं, आपके जो अपने बच्चे हैं उनमें से क्या इस तिब के शोबे के साथ कोई ना, ना ना कोई नहीं, उसकी क्या वजह बनी? अदरवाइज डॉक्टर्स तो प्रेफरेबली यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बने। नहीं, हमने उनको कहा कि भाई आप नंबर लाओ, जहां आप जाना चाहते हो तो जाओ। माशाल्लाह। हाँ। वो आजादी दी आपने उनको बराबर। तो वो दोनों बेटों ने इंजीनियरिंग की, एक ने उसके बाद केएस किया, तो दूसरा उसको वहां बाहर दुबई में जगह मिली। He is also well placed. ये भी he is well placed. माशाल्लाह। तो एक इत्मीनान है कि जो आपकी औलाद है वो जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ मैं तो पेरेंट्स को नमाज के बाद बहुत लंबी दुआ तो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुझे वो जबान दे कि मैं तेरी दी हुई नियामतों का शुक्र करूँ। जज़ाकअल्लाह। तो आपने बहुत बहुत दिया है, मेरा उतना दामन ही नहीं है जितना आपने दिया। माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी बात है कि अदरवाइज़ कुछ लोग होते हैं जो नाशुक्रे होते हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं और उस पर परवरदिगार नाराज़ भी हो जाता है। परवरदिगार का बहर सूरत हर हाल में आपको शुक्रिया अदा करना है। और जनाब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि कहते हैं कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। हम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस उम्र में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी दावत को कबूल फरमाया, अपने तजुर्बात, अपने मुशाहिदात हमारे साथ बांटे। हम परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि आपको लंबी उम्र अता करे, आपको सेहतमंद रखे और अदबी दुनिया में जो आपकी खिदमात हैं वो आप ऐसे ही जारी उसारी रखें। बहुत बहुत नवाजिश, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के इस शुमारे में हमारे साथ जुड़े, मैं घड़ी की तरफ देख रहा था, अब ज़्यादा वक्त नहीं है तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाएंगी। बस इतनी गुजारिश हम करते हैं आपकी खिदमत में कि आप अपने अपनों को याद करते हैं दुआओं में, तो हमें भी याद किया करें हमेशा, जिस तरह हम आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखते हैं। और बच्चों को ढेर सारा प्यार दे, बुजुर्गों और ख्वातीन का एहतराम और इकराम करें। मुझे और अरीबा को दे इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफिज़। नासिर।